कुछ दिन सह्याद्री में निकालने के बाद मैं वापस आया हूँ हिमाचल प्रदेश में और हूँ हिमालयास के इस रीजन में जो बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ कितने दिन रहूँगा ये तो पता नहीं है, पर यहाँ से जाऊँगा कुछ इंटीरियर्स के अंदर जहाँ पर कुछ गांव हैं जो अब खाली हो चुके हैं, क्योंकि उस गांव के रहने वाले इस समय पर मतलब विंटर्स में नीचे प्लेन्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स बहुत हार्श होता है और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। किस्मत अच्छी रही तो वो गांव देखने को मिलेंगे जो अब खाली हो चुके हैं। तो इस तरह के रीजन में और इस तरह की विल्डरनेस में रहने का भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है और अच्छा लगेगा यहाँ पर रुककर। बहुत खूबसूरत जगह है, कितने सुंदर पहाड़ है। अभी 1-1.5 घंटे में अंधेरा भी हो जाएगा तो मैं अपना टेंट यहीं पिच कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ पर कुछ स्नो है पर जगह को क्लीन कर लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना है। मुझे सामने का नज़ारा छोड़ के जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ की मुझे शाम देखनी है और यहाँ की सुबह देखनी है। हम इंसानों को जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है वो है हमारी फ्रीडम, और हम खुद ही अपनी उस फ्रीडम को कुछ छोटे या बड़े कमिटमेंट्स करके कहीं ना कहीं गिरवी रख देते हैं, और फिर उन्हीं कमिटमेंट्स में उलझकर एक सर्कल शुरू होता है, फ्यूचर में जीने का सर्कल, और हम भूल जाते हैं कि प्रेजेंट कितना सुंदर है और ज़िंदगी प्रेजेंट में जीने का नाम है। हाँ, एक बैलेंस भी ज़रूरी है, और मैं ये भी नहीं कहता कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो पैसा कमाने की दौड़ में कहीं हम जीना ना भूल जाएं।
मैं माफ़ी चाहता हूँ पर इस जगह के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है जो भी नेचर लवर्स है वो ऐसी जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि ये जगह या ऐसी कुछ जगह बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स और टूटी हुई बियर की बॉटल से भर जाए। एक बहुत बड़ा एजुकेटेड यूथ ऐसा भी है जो बिना महंगी वाली शराब की बोतल और बिना ब्लूटूथ स्पीकर के नहीं चलते हैं, और शाम को तेज़ आवाज़ में गाने बजाकर उस जगह की वाइल्ड लाइफ को और वहाँ के माहौल को ख़राब करते हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे रास्ते में कोई मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक घर अभी भी ऐसा है जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो रात भी गुजार सकते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया है, पर यहाँ पर जो रहते हैं मैंने उनसे बात की तो आज की रात मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। जैसे राजमा है, राजमा फट जाते हैं, उसके बाद उसकी जो ग्रेवी बनती है ना, थिक ग्रेवी, उसका टेस्ट होता है। यहाँ भाई साल बर्फ कम गिरा है यहाँ पे, मतलब आपको 5 से 7 फीट बर्फ गिरती है यहाँ पे। अरे बाप रे, तो रास्ते बंद हो जाते होंगे रास्ते तब। बंद हो जाते हैं, खुद सर्वाइव करना पड़ता है। सर्वाइव बोले तो मतलब या खुद निकल जाओ या मतलब राशन राशन पड़ा अपने पास, मतलब जो भी खाने पीने का सामान है तो भाई आगे चलाओ अच्छा, रहो, तो ऐसा एक कुछ साथ में स्टोर कर लेते होंगे सामान एक तो, साथ ही। और फिर सर्दियों के लिए पहले से लकड़ी स्टोर करना भी शुरू कर देते होंगे ना। लकड़ी भी स्टोर करना पड़ती भाई, कहाँ हाँ बर्फ में कौन लाने जाएगा, 5 फीट पर जब बर्फ गिरेगी तो आदमी घुस जाएगा तो कौन लकड़ी लाएगा। लकड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लकड़ी दिखेगी नहीं, दिखेगी मतलब कौन से वो ग्रीन पेड़ है, वो जलेगे नहीं, वो मतलब जिंदा तो जो आपके लकड़ी स्टोर करते होंगे वो भी गीली हो जाती होगी स्नोफॉल में, फिर उसको कैसे बचाते नहीं वो हैं। पैसे ड्राई रख रहे थे ना, ड्राई एरिया में रखेंगे ना उसको, उससे बंद अच्छा, कमरे में हो गया। मेरे मतलब मानू कट मानू आ 35 किलो। ख्याल से 75 किलो ओ, सही बोला नहीं और है, नहीं, 75 75 किलो नहीं है रहा भाई, कितना वेट है आपका? कपड़े कपड़े खोल के मतलब यही निकला कोई 30 किलो 30 किलो के तो आपके प्लेट में नहीं चावल होंगे हाँ बिल्कुल सही बोला। अभी नहीं रोटी के अंदर आलू डाल के और वो डाल के टेस्ट ही अलग है। वाह, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाया भाई। ये तो भी भले भाई मेरे सब खा चुके आप दोनों, बाकी हो? हम दो भाई बाकी है, मैं खा ही रहा हूँ, कहाँ तक जाना था। मैंने आज तक अपने किसी भी सफर को प्लान नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है जब भी हम अपने ट्रैवल को प्लान करते हैं तो हम एक होटल बुक करते हैं, कुछ कन्वेंस बुक करते हैं, कुछ स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, गूगल और यूट्यूब पर उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और ये सब करने में हम उस जगह को 90% तो वैसे ही विज़िट कर चुके होते हैं, और फिर वहाँ पर कोई सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं रह जाता है। मुझे लगता है कि सोलो ट्रैवलर्स के लिए एटलीस्ट अनप्लान्ड ट्रिप्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब ट्रिप्स अनप्लान्ड होती है तो मोर ऑफ सरप्राइजेज आर वेटिंग फॉर यू, और यही सरप्राइजेज आगे चल के बहुत सुंदर मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वीडियो के दूसरे भाग में मैं जा रहा हूँ अब शेपर्ड्स के उन विलेज की तरफ जो वीरान हो चुके हैं और बहुत जल्दी बर्फ़ की चादर ओढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं ये विलेज क्या सरप्राइज़ लेकर आता है।